क्या करे दिल जब मेरा घर बिन दरवाजों की दीवारें हैं, भांत भी जाऊं दीवारों को तो आंगन में लोहे की तारे हैं। उड़ा ले जाए आंधी जो इन तारों को तो क्या, जब मंजिल दूर रास्ते पर कांटे और सपने सपने गुब्बारे हैं। मेरे परिवार में हम 7 बहन भाई थे, 3 भाई 4 बहनें। सारे बहन भाइयों में मैं ही सबसे बड़ी हूँ। मैंने अपनी 8वीं क्लास पूरी की, फिर मेरी शादी कर दी गई। मैं 15 साल की थी तब मेरी शादी कर दी गई। मैंने मना भी किया कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। ऐसा है ना, वो तेरी बुआ है, उसने मांगा कि भई ये पैर से कमज़ोर है, विकलांग है, इसे कौन अपनाएगा, इससे अच्छा मैं ही अपना लूँगी, थोड़े बहुत पैसे दे देना मुझे, मेरे बेटे का काम चल जाएगा। शुरू में जब वो पी के आते तो मुझे इतना पता नहीं था, चिलम पीते थे या कुछ चरस वरस लेते थे, तब मैं विरोध करती थी, फिर मुझे मारते थे। एक बार की बात है, जब मैं बच्चों को ले आई थी वहाँ से, और बच्चों को ले आई थी तो बच्चे मेरे पास ही थे, दोनों छुट्टियों में आए हुए थे शायद, वो 1-3-4 दिन के लिए आए थे। तो उस टाइम शाम को ये आ गया तो कहने लग गया कि घर में कुछ बना, इसने दिए मुझे 100 रुपये दिए। मैंने बनाया खाना उन्हें, बना के कहने लग गया कि एक ही कमरा था, बेड था, दोनों बच्चे थे, कहने लगे मुझे मतलब सेक्स वो करना है। मैंने कहा नहीं, बच्चे साथ में अच्छा नहीं लगता, ये सब समझदार हो गए बच्चे। बच्चों के सामने ही मेरे कपड़े फाड़ दिए उसने, हाथ बांध के, बच्चे वहीं थे उस टाइम पे। मेरा बेटा शायद 6-7 साल का था। कहने लगे तू कुछ कर ही नहीं सकती, तू तो लंगड़ी है, ये है वो है, तू कुछ करके दिखा दे तो मेरे टुकड़ों पे पलेगी, मेरी ही जान खाएगी। डर लगता था कि मैं उनसे कुछ बोलती ही नहीं थी। अगर ये आम का पेड़ है, मेरे से इमली कहवाते तो मैं इमली ही बोलती थी। इतना डर ही लगता था कि मैं कुछ भी बोल दूंगी तो ये और हम मुझे मारेंगे। इतना मारते ही थे कि मेरा सारा बदन काला कर देते थे। और क्या, जो भी पाते थे मोटा डंडा होता, ऐसे हाथ मारते थे, मेरे सारे दांत टूट गए हैं। मैं समझ ही नहीं पाती थी मैं कौन गलती से पिट रही हूँ। ऐसे ही करते रहते थे, तो हम मायके में रहते थे। ऐसे करते करते 6-7 साल गुजर गए। फिर मैंने आग तो अपने हाथ ही से लगा ली थी गुस्से में, कि इससे अच्छा तो फिर मर जाना ही अच्छा है। तो 3 साल तो मेरे जख्म बने रहे हैं। वो जब मुश्किल से फिर वापस 1 साल बाद में यहाँ आ गए, फिर यहाँ वो जख्म सही हुए, उसके बाद में फिर मेरे ये पैर जुड़ गए, चल ही नहीं पा रही थी, फिर बैठे बैठे चलती थी। मेरा लड़का पैदा होकर के पायों से चलने लगा था, मैं बैठे बैठे चलती थी उसको। अब बच्चा क्या जाने, अब मैं बैठे बैठे चल रही, बच्चा वो चलने लगा, बाहर खेल रहा है, अब मुझे बुला रहा कि मम्मी आजा, तो मम्मी तो चल ही नहीं, ऐसे करे बच्चा मेरा जब खड़ा होए कि मम्मी मेरी उंगली पकड़ लो, उंगली पकड़ के आ जाओ, तो बहुत दुख होता था कि देखो मेरा बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि मेरी मम्मी खड़ी नहीं हो पाती। देखो क्या पूछ रहे हैं। उनसे कह दो कि सलामी का नाम ना ले। क्या कह रही है? अब उन्हें क्या पता है क्या हुआ है? बताओगे तभी तो पता चलेगा।
आप ही बता दो। क्यों गुस्सा रहते हो तुम अपने अब्बू से? आपको आपको पता नहीं, आपको पता नहीं, आपको मुझे पता है, उनको नहीं पता ना, मौसी को, मौसी को नहीं पता ना। तो आप ही बता दो। नहीं आप बता दो, मुझसे ज्यादा पता है। मैं तो भूल गई, मैं भूल गई बेटा, ध्यान नहीं मुझे सच्ची में, मेरे सर में दर्द रहता है, मैं भूल गई। को बहुत मारते थे मेरे दोनों भाइयों को, मार डाला जान से। तेरह साल में शादी हुई थी, उनकी भी ऐसी थी, 18 के लगभग, 18-19 के साल के थे। नहीं हमारे में पूछते नहीं है, सही लगता था, एक दो महीने तो बहुत सही रखा उन लोगों ने, 2-3 महीने ऐसे, उसके बाद हम परेशान बहुत ज़्यादा करने लगे। 14 साल के थे तब पहला बच्चा हुआ, उसको जब हुआ था तभी उसकी धड़कन कम थी, तो ICU में रखा गया था 25 दिन। उसके बाद में घर लाए, ऐसे 1.5-2 महीने जिया, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। टीबी हो गई थी, गांठ हो गई थी मेरे टीबी की, तो उसका कोर्स चल रहा था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, मैं घर से निकलती नहीं थी उस टाइम में, तो यही दवाई ला के घर पे तब खिलाते थे। लेके आए मुझे, कह रहे पी लोगी दवाई, बहुत कड़वी है। मैंने, कड़वी तो रोज ही होती है, कि नहीं आज बहुत अलग तरह की दवाई दी उन लोगों ने, पता नहीं कैसी अजीब सी स्माइल आ रही है। अरे वो आदमी इतना कह रहा तो भरोसा तो खुद ही हो जाएगा हमें। मैंने कि हाँ पी लूँगी दवाई, तो दवाई है, मरने से तो अच्छा है कि जी जाएंगे हम, तो कह रहे अच्छा लो। मैंने कि करके दे दो, कप में करके दी उन्होंने, मैंने पी ली, वो थी दीमक की दवाई, दीमक मरने वाली। 1 घंटे तक तो ऐसे ही लग रहा था कि कोई आराम ही नहीं है, जैसे दम सा घुट रहा था बस, ऐसा लग रहा कहाँ भागूँ यहाँ से। जब मेरे बच्चे को जहर दे दिया ना इससे छोटे वाले लड़के को, जो मेरा लड़का है अब शहजाद, तब मैंने डिवोर्स का वो कराया। मैंने कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं नहीं रहूँगी। देखिए यहाँ पर जब कोई भी ऐसी पीड़ित महिला आती है तो पहला तो हमारा यही रहता है कि किसी तरीके से उसको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानी को हम लोग दूर कर पाएं। हर औरत जिसके साथ वायलेंस हुआ है वो अपनी हर बात को शेयर करना चाहती है। जैसे महिलाएँ आती हैं, पीड़ित महिला जो भी आती हैं, तो पहले तो उनकी पूरी बात सुनते हैं। वो हर बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकती है। यहाँ मेरे साथ में गुप्त बातें भी शेयर कर लेगी, क्या क्या हुआ उसका हुआ, और उसको एक तरफ ये भी हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। तो वो लड़की बोलते हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार भी बसा रहे और मेरे सास ससुर भी ठीक हो जाए। अगर उनको ये लगे कि घर टूट जाएगा तो शायद कोई ना, पुलिस में क्यों नहीं जाते हैं? लोगों के अंदर ये डर है, महिलाओं के अंदर, पुलिस में जाने से टूट जाएगा। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं कि जो मेरे ख्याल से समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं। तो औरतों को पहले तो बोलते हैं कि तुम खुद मजबूत हो, फिर कोर्ट में भी जाते हैं इन केसेस के लिए, हम लोग CAW सेल्स में भी जाते हैं। अगर उसको पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन जाना है तो ना तो उसके पास किराया है, ना उसके वहाँ पर अपनी बात कहने की उसके अंदर वो उतनी हिम्मत है, तो पहली बार हमको अपनी तरफ से उसको लेकर के उस कानून के दरवाजे तक तो पहुंचाना ही पड़ता है। अगर उसने अपने कहीं पर भी अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो सबसे पहले उसके घर से, उसके पति के द्वारा, इतना कि कई बार उसकी अपनी जो फैमिली है वो भी इसको सपोर्ट नहीं करती है, तो वो उनके अंदर ताकत भरना। कोई भी आ रहा है हम लोग डरते नहीं है, रात को चाहे 12 बजे आ जाए, चाहे 1 बजे आ जाए। और यहाँ पर आने पे उसको एक परिवार की तरह मिलता है, अपनी जैसी और अन्य महिलाएं मिलती हैं जिनको देख के वो थोड़ा और उत्साहित हो जाती है कि जब ये महिलाएं ऐसी बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। फर्स्ट टाइम मैं मैम से मिली तब तो मैं बहुत रोई मैम के सामने। तो सबसे पहले तो उसको उसके आत्मविश्वास को जगाना जरूरी था उस टाइम, क्योंकि अगर वो कहती कोई बात किसी को पता ना चल पाए, कोई जान ना पाए, तो हम कैसे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं।
मैंने कहा अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको रोकते हैं तो उनका विरोध जब तुम नहीं कर पाओगी तो कानून में कैसे पहुँचोगी। लेकिन जब उन्होंने समझाया नहीं कि तुम्हारे ये अधिकार हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते हो, तुम उन्होंने काफ़ी मुझे समझाया। फिर उसको हमने अपने ही CSR में उसको जोड़ा, असिस्टेंट के रूप में हमारे साथ उसने 4-5 साल काम भी किया। तब मेरी शुरुआत हुई आगे बढ़ने की। मैंने वहाँ पे देखा मेरे जैसी और भी औरतें हैं, और भी महिलाएं हैं, लड़की हैं जो दुखी हैं। फिर इसको ये लगा, ये पढ़ने लगी, इसको लगा कि अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये CSR में जुड़ गई, CIC में जुड़ गई। जब काम करने लगी CIC में जुड़ के, तो इसके अंदर और हुआ कि मैं आसानी से इससे अलग होकर के अपना जीवन जी सकती हूँ। खुद गई, मम्मी पापा साथ गए मेरे, राजी उनकी भी थी, जाके मैंने लिख के दे दिया मैं अब नहीं रहूँगी बिल्कुल भी। क्योंकि उसको ये लगा कि आदमी के बगैर भी औरत जी सकती है, कमा के खा सकती है, क्या नहीं कर सकती है। पहला बदलाव तो यही आया कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। दूसरा बदलाव ये आया कि एक मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, माना सैलरी कम है लेकिन अच्छी मिल गई है। एक वो उदाहरण बन के सामने आई है, उनको देख करके दूसरे लोगों को और प्रेरणा मिली कि जब रुखसाना को न्याय मिल सकता है, रुखसाना इस मुकाम तक पहुंच सकती हैं, तो मैं CIC में जुड़ने के बाद मैं भी पहुंच सकती हूं।